हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी आरआरबी जेई की एग्जाम डेट कब है और ये नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ था, ये आपका रियल नोटिफिकेशन है या फिर आपका फेक नोटिफिकेशन है, और आपके एग्जाम की एग्जैक्ट डेट कब है और आपका आरआरबी की साइट्स पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है या नहीं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये आपका नोटिफिकेशन फेक है या नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि आपका ये नोटिफिकेशन आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पर देखा होगा, बहुत सारी साइट्स पर देखा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका जो बताया गया कंसर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एग्जामिनेशन इज 27/5/2019। तो इसमें बताया गया कि आपका जो एग्जाम होगा वो मई के लास्ट में होगा, दैट मीन 27 मई को। ठीक है, और आपका ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये जो बताया रखी है इसमें आपकी डेट, वो है आपकी 1/4/2019, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019। बट गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका नोटिस है ये बिल्कुल कंप्लीटली फेक है। इस पर ट्रस्ट मत करिएगा कि आपका एग्जाम मई में होगा। अभी मैं आपको कुछ ऑफिशियल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी आपकी वेबसाइट्स पर भी ये न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा कि आपका ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ये आपका किसी भी आरआरबी की मेन साइट पर अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी आरआरबी की साइट पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं उसके नोटिस बोर्ड पर कि आपका 1 तारीख को या उससे पहले या उसके बाद में आरआरबी की डेट का कोई भी कुछ भी अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो मई के लास्ट में है, तो गाइस इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आरआरबी ने अपनी डेट दी थी नोटिफिकेशन में ही कि उसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल में होगा या फिर आपका मई में होगा। अभी तक किसी भी आरआरबी की साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो ये कम्प्लीटली फेक है, कम्प्लीटली फेक। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ साइट पर। सो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ndtv.com। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है आरआरबी नोटिस ऑन जूनियर इंजीनियर जेई एग्जाम डेट फेक। तो ये देखिए आपको इसमें बताया गया कि आरआरबीज आर येट टू अनाउंस एग्जामिनेशन डेट फॉर द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको अपडेटेड दिखाई गई है वो आपकी 3 अप्रैल दिखाई गई है। और आपने देखा था कि उस नोटिफिकेशन में जो आपको दिखाया है वो आपको 1 अप्रैल दिखाया है। अगर आपका नोटिफिकेशन आया होता तो आपको इस साइट पर बता दिया गया होता कि आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है। बट यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपका वो जो नोटिफिकेशन है वो फेक है और ये आपका 1 तारीख के बाद में हुआ है, दैट मीन्स 3 अप्रैल को। ठीक है, हम इसको और भी आगे भी पढ़ लेते हैं इसको। तो इसमें बताया गया है आरआरबी आर येट टू अनाउंस द एग्जामिनेशन डेट फॉर आरआरबी जूनियर एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपकी जो अभी तक आरआरबी की डेट 3 तारीख तक भी अनाउंस नहीं करी गई थी। एनी नोटिफिकेशन और अपडेट रिगार्डिंग द आरआरबी जेई एग्जाम डेट इज फेक। कोई भी इसमें बताया गया कि आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो फेक है। द फेक नोटिस ड्यूरिंग द राउंड्स मेंशन 27 मई। आप देख सकते हो इसमें 27 मई आपको क्लियरली बताया गया, जैसा कि उस नोटिफिकेशन की इमेज में दिखा रखा था जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था। तो ठीक है गाइस, इसमें आपको क्लियरली बता दिया है एज द स्टार्टिंग डेट ऑफ आरआरबी जेई एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज सीबीडी। तो इसमें बताया गया है कि जो फेक नोटिस में आपको डेट बताई गई है वो आपको 27 मई बताई गई है। ठीक है, तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। अभी तक आरआरबी ने कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। द नोटिस ऑल्सो से दैट द आरआरबीज वुड एक्टिवेट लिंक एंड मॉक टेस्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन 12 मई 2019। और आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें ये भी बोला है कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको 12 मई से अवेलेबल होगा। बट वो सभी फेक है, सभी झूठ है। या तो वो किसी ब्लॉग ने क्रिएट किया या फिर वो किसी वेबसाइट ने क्रिएट किया जस्ट टू मेक मनी। ठीक है, हाउएवर दिस इन्फॉर्मेशन इज मिसलीडिंग एज आरआरबीज हैव नॉट रिलीज्ड एनी सच अपडेट। तो आपको बता रखा है इस वेबसाइट पर क्लियरली, एनडीटीवी का एक ट्रस्टेड चैनल है, उस पर क्लियरली बताया गया है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है मिसलीड करने के लिए है। और आपको अभी तक आरआरबी ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। सो गाइस, इस नोटिफिकेशन ट्रस्ट पर ट्रस्ट मत करिए। आप जिस स्पीड से, जिस तरीके से अपनी मेहनत कर रहे थे उसी तरीके से अपनी मेहनत करिए, उसी तरीके से पढ़िए। किसी भी इस तरीके की न्यूज़ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए। ठीक है गाइस, तो अभी तक आपके आरआरबी ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, मैं आपको ये क्लियरली बता दे रहा हूँ। और आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन जिस तरीके से आप कर रहे थे उसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, आपके जो नोटिफिकेशन में आपको डेट बताई थी वो आपको अप्रैल और मई में एग्जाम बताया था। ये बात आपकी सच है कि अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी, बिकॉज इलेक्शन की वजह से शायद आपके एग्जाम कैंसिल भी हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं। बट ये आपका पक्का नहीं है। अभी तक आरआरबी ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, सो आपको कुछ भी प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। सो आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे उसी तरीके से, उसी स्पीड से, उसी
पावर से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, और इस तरीके के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो मुझसे आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करना है तो आप मुझे नहीं बता सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपका जो प्रोसेस है लेक्चर्स का, वो ऑलरेडी वर्क पर है, वो चल रहा है। जैसे कंप्लीट होते हैं वो आपके पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया होगा कि वो जो आपका नोटिफिकेशन है फेक है, और वीडियो मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी ही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा फ्यूचर में सभी करेक्ट अपडेट्स लेने के लिए। ठीक है गाइस, फ्यूचर में आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड रिक्रूटमेंट अपडेट्स, एग्जाम अपडेट, फ्री लेक्चर, फ्री नोट्स सभी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्यूचर में सभी चीज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।